इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में सोमवार को 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और करीब 300 लोग घायल हो गए। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने आगे कहा कि लगभग एक दर्जन बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप पश्चिम जावा सियांजो क्षेत्र में केंद्रित था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। सियांजो जिले के स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि घरों सहित दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ग्रेटर जकार्ता में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। राजधानी में ऊंची बिल्डिंग 3 मिनट से अधिक समय तक हिलती रही और कुछ को खाली करा दिया गया। दक्षिण जकार्ता में एक कर्मचारी ने कहा कि भूकंप इतना तेज महसूस हुआ कि मेरे सहयोगी और मैंने 9वीं मंजिल पर आपातकालीन सीढ़ियों के साथ हमारे ऑफिस से बाहर निकलने का फैसला किया। रॉयटर्स के मुताबिक कुछ लोगों ने जकार्ता केंद्रीय व्यापार जिले में कार्यालयों को खाली कर दिया, जबकि अन्य लोगों ने इमारतों को हिलते हुए महसूस किया और फर्नीचर को हिलते हुए देखा। आपको बता दें कि फरवरी में वेस्ट सुमात्रा में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और 460 से अधिक लोग घायल हुए थे। जनवरी 2021 में वेस्ट सुएलवेसी में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 6,500 लोग घायल हुए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें ABP Live।